नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के कन्नौज जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पहली बार कोतवाली छिबरामऊ को फरियादियों के लिए बंद कर दिया गया है। कोतवाली के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है। कोतवाली के हॉटस्पॉट इलाके में आने के कारण फरियादियों के लिए अब ये बंद कर दी गई है। फरियादी कोतवाली के बजाय पास की पुलिस चौकी में संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन के इस कदम के बाद न्याय मांगने वाले असमंजस में हैं। आपको बता दें कि जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पुलिस अधिकारी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए फूट पेट्रोलिंग और रूट मार्च कर माइक के माध्यम से लोगों को बराबर जागरूक कर रहे हैं। वही नियमों का पालन करने के बराबर ताकीद भी कर रहे हैं। इधर अनलॉक वन के प्रथम चरण में छूट मिलने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लगभग भूल गए हैं। ऐसे में जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, सबसे पहले ये है कि कुछ मोहल्लों में कोरोना वायरस के लोग निकल आए हैं, तो उनसे ये अनुरोध किया जा रहा, हॉट स्पॉट बना दिया गया है, उनसे दिया बांस फलियाँ लगा दी गई हैं, उसमें पुलिस बल सब इंस्पेक्टर 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगा दी गई है। हॉट स्पॉट एरिया से कोई भी व्यक्ति ना तो बाहर निकलेगा ना एंट्री करेगा। जो खाद्य सामग्रियाँ हैं वो डोर टू डोर की व्यवस्था है। कोई फरियादी है हॉट स्पॉट एरिया में आता है तो संबंधित चौकी में जाएगा, वहाँ नहीं आएगा। सर, थाने में भी जो फरियादी अब दे दिया गया है हॉटस्पॉट में आता है, थाने में फरियादी कहाँ से कहाँ जाएंगे शिकायत के लिए? अगर हॉटस्पॉट पे नहीं आ सकता है तो संबंधित चौकी में चला जाएगा, अपनी फरियाद बताएगा, तो वहाँ उसके संबंधित दरोगा पुलिस बल जा करके उसका उसकी समस्या का निस्तारण करेंगे, जो न्याय उचित होगा। सर, आज के बाद जो भी जितने फरियादी आएंगे कहाँ पर मंडी चौकी भेजे जाएंगे, कहाँ भेजेंगे? संबंधित चौकी में भेज जाएंगे, जहाँ जा जिस चौकी से संबंधित होगा, अगर मंडी से संबंधित तो मंडी चले जाएंगे, बैलपुर होगा बैलपुर चले जाएंगे। कुल स्पॉट एरिया में उनको एंट्री नहीं करना है, ना कोई व्यक्ति अंदर जाएगा ना कोई बाहर जाएगा, और इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है। और जो भी आवश्यक है, पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ता है तो वो भी करना पड़ता है, आवश्यक मुकदमा भी दर्ज करना पड़ता है वो भी करना पड़ता है, समझा बुझा करके दंडित करके किसी तरह से भी लॉकडाउन की शर्तों का पालन कराना है, और हॉट स्पॉट एरिया पर किसी भी व्यक्ति को अंदर ना प्रवेश करना है ना बाहर जाना है।